क्या चल रहे, कैसे आप सब लोग? जी मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। बड़ी थकी की बैठी हूँ, जाहिर बात है आपको पता, हाउस वाइफ हूँ और घर का टोटली काम मुझे ही करना पड़ता है। फरमाइशी प्रोग्राम भी बहुत होते हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि कोई वो कुकिंग का स्टार्ट कर दिया तो डेली वो फरमाइशी की नई से नई स्टार्ट होगी। एक कहते हैं आज ये बना दें, कहते हैं आज वो बना दें, और तसल्ली से जो अपने वीडियो अपलोड करनी होती है, जो वीडियो आप लोगों के मतलब भेजनी होती है, वो क्या मसला हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ मेरी वो गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे कि मिसाल देती हूँ कि कल की मेरी थी पिज़्ज़ा की वीडियो, अब वो पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं, और मैंने अपने बेटे को दे दी थी पिज़्ज़ा बनाकर। मैंने कहा चले बेटा आप ये करते हैं, बच्चे आपको पता है वो लग जाते हैं खेलने के लिए गेम्स, ये वो, उसमें एक वो मेरी वीडियो स्किप हो गई। फिर वो मैंने उसका वॉइस ओवर दे दिया है, क्योंकि जब मैं असेंबलिंग करी मेन पॉइंट ही वो है, नज़र आ रहा है आपको, लेकिन जो मैं बता रही डिटेल से वो मेरे बेटे ने स्किप की हुई वाली वीडियो। गुस्सा तो मुझे बहुत आया, जाहिर बात है कि बच्चे छोटे हैं, आपको मैंने बताया मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं एक व्लॉग ही लेके एक तरह से चलती हूँ, फिर भी मैं जो जो चीज़ें हैं वो डालती भी जाती हूँ। तो वो पिज़्ज़ा में उसने वो कर दिया मेरे बेटे ने, थोड़ी सी वो एक वीडियो स्किप हो गई थी, तो वो मैंने लास्ट में उसको दे दिया वॉइस ओवर कर दिया कि कैसे अपने असेंबलिंग करनी है उसकी, मतलब पहले पहले क्या चीज़ डालनी है और सेकंड क्या, और बड़ी स्पीड में उसमें मैं भी गड़बड़ कर दी हूँ कुछ ना कुछ, बस देख लीजिएगा ठीक है। अच्छा, और इस समय कुकीज़ की बना रही थी, बच्चों ने वो उनके लंच का टाइम था कि आप बस वीडियो में शुरू हो जाती है, आप हमें भूख लग रही है पहले ही थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी वो किया, जल्दी में क्या हुआ पाइपिंग बैग फट गया, पाइपिंग बैग फट गया, तो मैंने क्या किया जल्दी से मैंने वो हाथ से करके ऐसे कुकीज़ बना के रख दी है। तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी अपनी वीडियो आपको दूँगी जिसमें आप लोग देखेंगे कि मैंने किस तरीके से वो अपना वो कुकीज़ बनाऊंगी, ठीक है। मुझसे डिज़ाइन वाले, क्योंकि डिज़ाइन तो बन नहीं सके ना, तो मैंने हाथ से वो बनाई। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताती हूँ, मैंने वेडिंग मेरी है फैमिली में ना, मेरी कज़न की है, तो मैंने जाना है, तो मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करी थी, मैंने सोचा आपको भी अपनी ड्रेसेस दिखाती हूँ। हाँ मतलब जिस दिन मैं जाऊँगी शादी पर वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी ना, कि जब मेकअप वगैरह करूँगी और जो मैं गेटअप होगा मेरा, जो मेकअप वगैरह और जो ड्रेस होंगी वो मैं आपको ज़रूर वीडियो दूँगी। तो फिलहाल मैं वो दिखा रही थी कि मैंने कौन कौन से अभी कपड़े निकालने हैं प्रेस करने हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ मेरे और मेरी बेटी के कैसे कैसे कपड़े हैं। अच्छा जी, ये देखिए जी, बेटा अजान हो रही है, वीडियो को जरा आप प्लीज़ ऑफ कीजिएगा, अजान के बाद मैं आपको ये देखिए, मैंने ये लहंगा सेट तैयार किया, ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, ठीक है। ये रेड कलर की शर्ट है, इसमें मैंने देखिए कुंदन वाली लेस लगाई है, ये ज़रा और खूबसूरती हो जाती है। देखिए जब प्लेन शर्ट है ना, तो ये देखिए आप पूरी इसकी मैंने दामन में चौक से लेके दामन में, और ये मैंने खुद स्टिचिंग की है, ये देखिए जी ये कुंदन की लेस है, और इसके साथ ज़बरदस्त लहंगा है। पीछे देखिए मैंने आप इस पर ना टसल्स लगा दी गले पर, ज़रा और ज़रा इसकी ब्यूटी इन्हेंस हो जाएगी ड्रेस की भी ज़रा, और हमारी भी पहनने में आपको पता ही जी। अच्छा इसके साथ मैं दिखाती हूँ आपको मैंने लहंगा कितना ज़बरदस्त बनाया है, और ये देखिए ये मैंने लहंगा बनाया है, ये मेरी बेटी का लहंगा है, और ये मैंने आपको दिखाया था, ये इसकी शर्ट है और गोल्डन कलर का उनका इस तरह का ही दुपट्टा है, ये देखिए जी ये फ्रंट। और वैसे ये भी मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे, मैंने आपको बताया ना मैं डिज़ाइनिंग वगैरह किस तरीके से करती हूँ। ये मेरी पहले की एक फ्रॉक थी ना, मैंने किसी शादी में फ़्रॉक पहनी थी, तो फ्रॉक मैंने कहा सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए दोबारा से, फिर क्या हुआ ज़रा बच्चे तो आपको पता है थोड़ा चेंज मांगती, तो मैंने ऐसे किया कि फ्रॉक को मैंने लहंगा दे दिया, ऊपर की बॉडी निकाली, ये इसकी इलास्टिक लगा के, ये देखिए, और ये फ्रंट पूरा ओपन था फ्रॉक का, तो मैंने पूरा बंद कर दिया, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त था ये लहंगा बन गया। तो ये इंशाल्लाह ताला मेरी बेटी को भी पसंद आएगा, ये कल पहनेगी, ये देखिए जी इनका लहंगा सेट हो गया, इनका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगता था। तो ये मेरा फ्रॉक था और मैंने अपनी बेटी का बना दिया। देखिए इस तरीके से आप लोग किया करें, इस तरीके से कितने हम लोग फ़ायदे में रहते हैं। देखिए ना कितना हसीन सा इसका दुपट्टा, ये देखिए इसका बॉर्डर देखिए, अभी जो रखना पड़ेगा वो भी आप देखिएगा, ये देखिए कितनी चीज़ें हम लोग निकालते हैं आपको दिखाते हैं रखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को बड़ी हो से देखा करें, ऐसे आप लोग भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं ना, फ्रॉक है तो फ्रॉक को आप बच्चों का लहंगा बना सकते हैं, ठीक है। ये फिर मैं भी बताती जाती हूँ आप लोगों को। अच्छा ये देखिए जी, ये मेरी बेटी का है बारात के लिए मैंने ना, ये मैक्सी फुल मैक्सी है ना, ये फुल फ्रॉक ही है, तो ये मुझे अच्छा लगा था, शॉकिंग पिंक है, ज़रा बच्चों को अच्छा लगता है। ये देखिए जी इसकी स्लीव्स हैं, और ये देखिए फुल फ्रॉक है, ये मैंने काम ही करवाया हुआ है। ये देखिए जी बैक पे भी इनके काम है, ये मैक्सी का, तो ये ज़रा बच्चे शौक से पहन लेंगी। ये देखिए ये मेरी बेटी के बारात का मैंने बना दिया है, क्योंकि कज़न की शादी है जाहिर बात है इतनी क्लोज, तो फिर जाहिर बात है वो अच्छे अच्छे ज़रा फुल हैवी सूट चलते हैं, ज़रा फर्स्ट कज़न्स की शादी है, क्लोज शादी हो ना तो अच्छे लगते हैं इस तरह से। अच्छा जी ये मैंने बनाया है वलीमी का सूट, ये मेरी बेटी के मैंने अभी ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना, ये देखिए जी ये उनका मैंने वलीमे का बना दिया, वाइट लॉन्ग शर्ट है उनकी, क्योंकि अब फिर दोबारा से वो लॉन्ग शर्ट्स का फैशन हो गया। तो ये देखिए कितने हसीन से, ये देखिए नेट पे, ये देखिए ज़रा कुंदन की लेस लगाई है इस पर भी, ये देखिए आप, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये गला है इसका, हैदराबादी ये देखिए गला है। अब इसके बाद ये टसल्स लगा के हमने ऐसे लगा दिया है डोरी,
ठीक है ना, ज़रा इसको मैं टाई करके दिखाऊंगी। देखें जी, ये है पूरा सूट, देखिए आप, इसके स्लीव्स पर भी मैंने ऐसी लेस लगाई है वाइट कुंदन की। ये देखिए पूरा सूट कितना ज़बरदस्त, इसका बॉर्डर देखिए कितना ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा ही तो सूट मुझे लगा ये। देखिए तो ये वैसे मेरा इरादा हो रहा था पहले मैं अपना बना लूँ तो, लेकिन मैंने देखा मेरे पास भी एक वाइट सूट पहले भी था तो मैंने अपनी बेटी का बना दिया। देखिए जी बैक पर भी, देखिए बैक पर भी डिज़ाइनिंग की, कितना ज़बरदस्त लग रही है। देखिए जी जी, देखिए ये शर्ट होगी और इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा मैंने इसको किया है। मैंने इसको ना ज़रा बहुत ही अच्छे से लेस वगैरह लगा कर, कुंदन के फूल लगा कर, देखिए जी कितना अच्छा सवरा दिया सूट को। और ये देखिए पहले ट्राउज़र दिखा दूँ आप, ट्राउज़र भी मैंने किया कि साइड पे देखिए रिबन लगा कर बोर वाला बना लिया है, बहुत ही प्यारा लगेगा ये, इंशाल्लाह तारा मेरी बेटी को पसंद ही आएगा। अभी तक तो यकीन करें वो देखती भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया पढ़ाई है इतनी टफ है बच्चों की। ये देखिए जी तो मैंने बना दिया, अब देखिए जी इनको तो बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए ये हो गया, और इसका दुपट्टा आप देखिए जी कितना प्यारा है, ये दुपट्टे पे बॉर्डर तो है, ये देखिए आप ये बॉर्डर देख रहे हैं ना, लेकिन हमने क्या किया उसके ऊपर कि हमने ये कुंदन के फूल भी लगा दिए साथ इस पर। ये देखिए जी ये दुपट्टा, ये देखिए मैंने इसके ऊपर कुंदन के इस तरह से फूल लगा दिए, ज़रा थोड़ा सा ये और अच्छा सा हो गया ना, हैवी सी लुक आ गई दुपट्टे की भी। ये देखिए जी कितना प्यारा सा बन गया, ये इसका बॉर्डर भी बहुत प्यारा, ये देखिए जी लचकी लगा दी कॉर्नर पर इसकी, ये देखिए वैसे लगा कर ये अच्छा सा बन गया ना, बहुत प्यारी सी लुक आ गई इसकी, ठीक है। और एक सूट मैं आपको और दिखाती हूँ, आई होप के मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि मैं वलीमे वाले दिन ये पहन ही लूँ, ठीक है जी, मैं ये वलीमे वाले दिन पहनूँगी कि मैं अपना सूट, ठीक है। अभी प्रेस वगैरह करने हैं सूट, तो मैंने सोचा कि शादी में जाना है, सिर्फ आपको सारी तैयारी मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने शादी में जाना है, मैंने मेरी बेटी ने कैसे कैसे ड्रेसेस पहनने की, देखी जी ये फैंसी ड्रेसेस हैं मेरे सारे, तो ये मैंने सोचा कि मैं वलीमे वाले दिन पहनूँगी, ठीक है, जरा उसका कलर भी लाइट है, ठीक है जी। आई होप के आपको मेरी जो वीडियो सारी पसंद आई होगी। हाँ जी, बस अजान ख़त्म हो गई है तो मैंने सोचा कि चलें जी कपड़े वगैरह प्रेस करने लगी थी, आपके साथ भी शेयर करें हमने क्या क्या पहनना है, कौन से ड्रेसेस हमने ड्रेसअप करना है, कैसे ड्रेसेस में, तो ये है कि मैं प्रेस करने लगी हूँ कपड़े, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, बड़े काम होते हैं हमारे जी करने के। देखिए जी, अच्छा जी ये देखिए, ये मेरे ना ये मेरी बेटी के लिए निकाला है, ये ग्रीन कलर की है, नेट की शर्ट है और इसके साथ कैप्री है, कैप्री जो है मैसूरी का, ये देखिए थोड़ा सिल्वर बेज कलर ना, तो इस कलर का इसका ये कैप्रियन का, ये बड़ा प्यारा सा, ये देखिए साइड से बटन लगी हुई और ये कैप्री है और ये कैरी करेंगे, ठीक है ना, ये ग्रीन ड्रेस मैंने बनाया है। अब ये है मेरी बेटी, मैं ये सोच रही हूँ कि ये किस दिन पहने, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से ड्रेसेस किस किस दिन पहनेंगी, उनका क्या बनता है, ठीक है। अच्छा जी, उनका ये ना कि ये देखिए ये वाला ड्रेस मैंने अलग आपको दिखाया था, ये मैंने खुद बनाया, मैंने आपको बताया था ना ये नीचे बनारसी जो मेरी साड़ी का था मैंने बनाया था, ठीक है। और ये उसकी शर्ट ऊपर साइड से ओपन है, ये देखिए पीछे से भी इसका डिज़ाइन, बेटा आप ज़रा सा कैमरे को देखीजिएगा ना, स्टैंड को देखिएगा, ये देखिए, अच्छा जी ये देखिए, ठीक है, ये वाली शर्ट है, ये वाली फ्रॉक है, ये प्यारी सी मैक्सी की तरह से मैक्सी है, बल्कि ये देखिए सारे टसल्स लगे हैं, ये आपस में उलझ जाते हैं बड़े ही। अच्छा ये वाली जो है ये पहनेंगे मेहंदी वाले दिन, ठीक है ना, ये मैंने अपनी बेटी के मेहंदी वाले दिन का बनाया, ठीक है। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये देखिए ये मेहंदी का हो गया मेरी बेटी का, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने बारात के लिए बनाया, अच्छा लगता है, ये देखिए जी ये मेरी बेटी का बारात है, वो मैंने खुद बनाया था और ये वाला रेडीमेड है, ठीक है, इनके बाजार से ही काम करवाया मैंने, देखिए जी ये मेरी बेटी का फुल है मैक्सी, ये नज़र आ रही है ना आपको फुल, देखिए बॉर्डर एंड तक काम है इसका, तो ये पहनेंगी ये मेरी बेटी पहनेंगी बारात वाली, ठीक है ना, ये बारात पर अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा जी बारात का हो गया, वैसे उनका मूड है कि वलीमे वाले दिन ये कैप्री और ये स्ट्रेट शर्ट जो चली नहीं था आजकल, लॉन्ग शर्ट दोबारा से इन हो गई, लॉन्ग शर्ट और वो कैप्री पैंट होती है तो वही पहनेंगी, या फिर मैंने जो खुद बनाया हुआ है एक, ये उन्हें पसंद तो नहीं आया मेरी बनाई हुई चीज़ें, बहुत कम पसंद करती हैं, बारात देखते हैं ये पहनेंगी या वो ये पहनेगी, तो मैं प्रेस कर देती हूँ, मैंने सोचा प्रेस कर देती हूँ, पहनना पहनना उनका काम है, ठीक है ना, ये शर्ट है और इसके साथ कैप्री है और ये फ्रॉक है इसके साथ भी वो ये कैप्री है, ठीक है, कैप्री पहनती हूँ मैं, ये देखिए जी ये हो गया। अच्छा मुझे अपना नहीं समझ आ रहा था मैं क्या पहनूँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना हमें कि हाँ नहीं हम इस एज के हो गए हैं यार हमें ये नहीं पहनना चाहिए, मैं बोलूँ अब देखते हैं क्या पहनते हैं हम लोग और क्या नहीं, ठीक है। अच्छा जी मैं अपनी ड्रेस दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये मेरा है बेज कलर का है फुल, ये देखिए ये भी फॉक ही है ना, ये भी फुल, ये देखिए ये काम हुआ हुआ है फ्रंट पे, ये पिशवास की तरह से बना हुआ है ना, जिसे कहते हैं देखिए अंदर खास आई, ये देखिए
इसमें है, ये देखिए टसल्स वगैरह लगी हुई है, कितना प्यारा। बेटा इसको जूम करें आप जरा और क्लोज नजर आते हैं, कितना प्यारा सा है, इसके टसल्स वगैरह ये सब लगे हैं और बहुत प्यारा। इसके साथ चूड़ीदार पजामा और इसके दुपट्टे पे भी इसकी बॉर्डर है, अभी मैं निकाल नहीं हूँ, इसका पूरा बॉर्डर है दुपट्टे पे भी ना, और छोटी छोटी ऐसी बूटी बनी हुई, बड़ा प्यारा सा इसका दुपट्टा भी ना। ये नेट का दुपट्टा है और ये नेट की बनी फ्रॉक है पूरी पूरी है, और ये देखिए बैक पर भी इसकी है, ये वाली काम ठीक है। फ्रंट तो ये ओपन है ना, ये देखिए ये ओपन चला हुआ ना इस तरीके से, तो ये ओपन है ठीक है। ये मैं पहनूंगी मेहंदी वाले दिन ठीक है। आप लोग देखिए कैसा लग रहा है, ये इसके ऊपर रेड कलर का सारा हुआ है, तो मैंने सोचा कि रेडी कलर की ज्वेलरी में मेरे पास ऐसी है, उस पर रेड बीड्स वगैरह लगे हुए तो ज़रा अच्छा लगेगा ठीक है। ये मेरा हो गया मेहंदी का ठीक है। अच्छा एक सूट मैंने ये निकाला तो मैं सुनेहा दीजा आपको दिखाऊँ, ये मेरी ना, अब आप देखिए जी ये कितनी साल हो गई मेरी शादी को, मेरी बारात का था, मेरी बारात का था वो जो चले हुए थे उस वक्त अनारकली फ्रॉक होते थे, आग रखा अनारकली फ्रॉक इसी टाइप का था, तो उसका ना ये शर्ट था वो ऑर्गेंजा था, ऑर्गेंजा जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो फ्रॉक ज़रा काफ़ी ख़राब हो गया था, तो मैंने दुपट्टे की ना बाद में ये शर्ट बना ली थी। ये देखिए जी दुपट्टे की शर्ट आपको नज़र आ रही बेटा, ज़रा दिखाइएगा उससे कैमरे, ये देखिए यहाँ तक नज़र आ रही ना आपको, ये मेरी पुल शर्ट भी है, ये देखिए जी यहाँ से शुरू हो रही है और ये पूरी यहाँ तक है ठीक है। ये रेड शर्ट है, अब देखिए मैं इसको किस दिन पहनती हूँ, ये भी ए लाइन स्टाइल की बना ली ना मैंने दुपट्टे की, तो ये मैं देखते हैं चार दिन होंगे तो चार चार ड्रेस तो हमारी ये हो गए ना। तो ये देखिए जी एक ये मैंने बनाया है, ये देखिए इसको अंग रखा कहते हैं, वो विश्वास था, ये देखिए ये पूरा, ये देखिए इसका मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बॉर्डर है इसका और ये ड्रेस है मेरा, ये गले पे आ रहा है ऐसे काम, और ये इसके भी ये टसल्स वगैरह भी लगे हुए, ये देखिए ज़रा टसल्स प्यारा सा हो जाता है, इसका मुझे दुपट्टा भी बड़ा प्यारा लगता है, मैं आपको दुपट्टा भी दिखाऊँ, इसके साथ भी चूड़ीदार पजामा है और ये फुल, ये देखिए फ्रॉक यहाँ तक है बेटा, थोड़ा सा सेल फोन के दे दीजिएगा ना स्टैंड पर कर दीजिए, ये देखिए जी ये फुल आ रहा है ना ये यहाँ से, ये इतना हैवी है कि मुझसे हाथ में भी नहीं उठाया जा रहा ना, देखिए जी ये इसके स्लीव्स हैं और ये खुद कितनी ज़बरदस्त फ्रॉक है, इतनी फ्लेरी सी है, और ये देखिए यहाँ तक मैं पूरा उठा के दिखा रही हूँ आपको, ये लॉन्ग मैक्सिस सी है ना, मैक्सिस की तरह बनी हुई है। अच्छा इसका दुपट्टा देखिए कितना प्यारा बॉर्डर है, ये देखिए जी ये मेरी फर्स्ट कज़न की शादी है ना, क्लोज शादियों तो ज़रा अच्छा लगता है लुक, तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी मैं ये वाला ठीक है ये ड्रेस बनाया मैंने, और इंशाल्लाह जब मैं तैयार होंगी तो मैं मेकअप की भी आपको ये दिखाऊँगी मेरा दुपट्टा पूरा ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने सोचा है कि वलीमे वाले दिन ना, ये देखिए जी वलीमे वाले दिन ज़रा सिंपल स्ट्रेट शर्ट है, ये मेरी लॉन्ग और साथ इसके वही ट्राउज़र है ठीक है, ये स्ट्रेट शर्ट है, ये देखिए आप कितनी प्यारी इसके सिल्वर लेस लगी हुई है, ये लेस लगा कर क्योंकि सिल्वर इसके ऊपर, ये देखिए ना सारे बीड्स वगैरह हैं ये सब लगे हुए जिसके ऊपर सीक्वेंस हैं, तो सिल्वर ही मैंने फिर इस पर लेस लगवा ली, ये प्यारा सा सूट मेरा बन गया, इसका भी बड़ा प्यारा दुपट्टा भी प्रेस वगैरह करना है। अच्छा ये देखिए जी मेरा ये है और ये मेरा स्किन बेस कलर है ना, तो मेरे हस्बैंड का सूट भी स्किन कलर का ही है, तो दोनों की ज़रा मैचिंग भी हो जाएगी, अच्छा भी लगेगा ज़रा, मैंने सोचा। अच्छा इसके दुपट्टे भी बड़ा प्यारा है, ये मुझे लगता है कि देखिए जी सारा ये रिबन वगैरह और इसका देखिए सारे दुपट्टे भी इस तरह से बूटी, ये देखिए कितना प्यारा इसका दुपट्टा भी, तो बस ये अब मैंने प्रेस करने हैं और शादी की तैयारी है बस वो दो दिन बाद, तो मैंने सोचा कि चलें आपको दिखाते हैं हम कौन कौन से ड्रेसअप हम लोग चूज़ करें, कौन कौन से ड्रेस और कैसे ड्रेसअप होंगे ये तो हम बाद में आपको दिखाएँगे अपने विद मेकअप के साथ, तो फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैं प्रेस करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं जी, काम देखिए हमारे करने के कितने होते हैं, खाली वीडियोस नहीं डालनी होती, बड़े काम करने होते हैं, इनको प्रेस भी करना होता है, इनको संभालना होता है, और ये सब काम मैं अकेले ही करती हूँ। तो ये मेरी आज का ब्लॉग था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स देने, सब्सक्राइब ज़रूर करना है ठीक है जी, बड़ी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। ओके जी अल्लाह हाफिज़।